हे गाइस, क्या आपको किसी चीज की आदत है या क्या आप किसी चीज के आदि हो गए हैं? जी हाँ, किसी चीज की आदत होना और किसी चीज का आदि होना दोनों में बहुत फर्क होता है। आदत के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हैबिट, लेकिन जब हम किसी चीज के आदि हो जाते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूज्ड टू। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज पे बेस्ड है। दिस इज जस्सी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। वेलकम टू आवर चैनल गुडलक इंस्टीट्यूट, अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइए आज हम करते हैं यूज टू के तीन पॉइंट, जिसके अंदर आपको समझ में आया कि अगर आप कभी भी किसी की हैबिट्स की बात करते हैं तो किस तरीके से आप इन सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज टू। मैं आपको इसके तीन पॉइंट बताऊंगा। ओके गाइस, लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ यूज टू। फर्स्ट लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। In this case, we are going to use used to with action. Action means verb. Like example है, I am used to listening English songs. यानी मैं English songs सुनने का आदि हूँ। अगर हम इसका negative बनाएंगे, तो same जैसे मैंने पहला बोला था, I am not used to listening English songs. Fine. Okay. Let's move to the next one. This is the use of used to with any noun or any word. Fine, we will not get any action in this sentence. I am used to English songs. If you will notice, मैंने यहाँ से listening यहाँ से हटा रखा है. Listening हमारा क्या था, एक verb था. तो हमने यहाँ पे इसका use नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ noun या किसी word का use करना है. तो I am used to English songs. यानी मैं English songs का आदि हूँ. ठीक है. Third जो हमारा है, in this third case we will only talk about the habit of a person in the past, but that habit is no longer continue with that person. Fine, like I used to listen English songs. Yani main English songs suna karta tha. That was in past. I used to do that, but now I don't listen English songs. अब इन्हीं के ही हम सारे नेगेटिव्स बना सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर तो आप इस एम आर के साथ लगा सकते हो. फर्स्ट एंड सेकेंड के अंदर आपका इस एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के बाद आपका नॉट लगेगा और इंट्रोगेटिव में सारे आपके यही स्टार्टिंग में आ जाएंगे. फाइन, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस थर्ड केस की, तो इस थर्ड केस में हमारा नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज किया जाएगा, और डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिंट भी पढ़ सकते हैं. डिड नॉट, उसके बाद हमेशा डिड यूज टू हमारा यूज टू बन जाएगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है. Fine. तो इस तरीके से आपको सारा ये करना है. इस वीडियो में इतना ही. आगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा. दिस इज जस्सी साइनिंग ऑफ द डे. थैंक यू सो मच.